आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, तो आज हम पीएमसी की न्यू पॉलिसी के हवाले से बात करेंगे और बाहर चलते हैं और बात करते हैं। कपड़े उठाए जाएं, ये पेंट पहनता हूँ और सारे कपड़े धोने वाले हैं, ये हुडी पहन लेता हूँ इसके साथ। शूज मेरे फुल गंदे हुए पड़े हैं तो इनको साफ पहले करता हूँ फिर जाता हूँ नीचे। तो कल पीएमसी ने एक लिस्ट अपडेट की है, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं पहले, फिर उस पर डिस्कशन करते हैं हम। जैसा कि आपने पीएमसी की अपडेट वगैरह देखी है, इसमें ये लिखा है कि भाई हाउस जॉब करना कंपलसरी है, चाहे वो चाइना में हो, कजाकिस्तान में हो, किर्गिज़ में हो, उज़्बेक में हो, ईरान में हो, रशिया में हो, कहीं पे भी हो। इन शॉर्ट वो हाउस जॉब हमें पाकिस्तान में देना ही नहीं चाह रहे, वो कह रहे हैं कि भाई जहाँ पर आप पढ़ रहे हो वहाँ से हाउस जॉब करके आओ। अपडेटेड लिस्ट के मुताबिक कजाकिस्तान को, रशिया को, चाइना को उन्होंने कंट्री वन में फिर से डाल दिया है और ये ए लिस्टेड हैं। इनकी सारी यूनिवर्सिटीज़ ए लिस्टेड होंगी, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान ये बी लिस्टेड में है, कंट्री टू में है। ठीक है, काफ़ी दफ़ा हमारे इंडियन सब्सक्राइबर्स हमसे पूछते हैं कि भाई एमसीआई के बारे में बता दें, तो यार मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है, मैं मोस्टली पाकिस्तान को देखता हूँ। मुझे कह रही हैं भाई ये ना ऊपर लटका दो, हम इसको भाई ऊपर लटकाते हैं इसके पदस्थी। बहुत चंगा ना, मैंने आप लोगों को पीएमसी की न्यू पॉलिसी के हवाले से अपडेट कर दी है। अभी मैं जा रहा हूँ जलोनी मार्केट, वहाँ से कुछ सामान खरीदूंगा, मैं मसाले वगैरह लेने हैं और उसके बाद फिर घर आऊँगा। जलोनी पहुँच गया हूँ मैं, यहाँ से सामान उठाते हैं फिर निकलते हैं। ये रही जी दरेगा की शॉप, मैगी वैगी भी पड़े हैं, अभी ये तो कजाकी है लेकिन इसके पास और भी चीज़ें हैं, चेक करो जी। पाकिस्तानी मसाले दरेगा के पास नहीं थे तो हम दूसरी शॉप पर आए हैं, तो यहाँ से ख़रीदा है और ये हमें कह रही हैं कि हम आपको गिफ्ट भी देंगे एक और, एज अ गिफ्ट पुडिंग और समथिंग। इनमें से मुझे भाई साहब वो गिफ्ट देना चाहती है यार, थैंक यू वेरी मच। आंटी इतनी अच्छी थी, उन्होंने हमें गिफ्ट दिया है, आप लोग भी आओ उनसे सामान खरीदो। डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल रहा हूँ मैं और शॉप का भी नंबर डाल रहा हूँ, आप लोग आ सकते हैं। अन्नी पा दो यार, सामान उसका ख़त्म हो जाना चाहिए एक दो दिन में। अभी हम थोड़ा सा चिकन खरीद लेते हैं, ये चिकन पड़ा है तो फिर निकलते हैं लेके। चिकन नहीं मैंने वहाँ से उठाया क्योंकि महंगा दे रही थी, तो हमने कहा यार हम मैगनम से लेंगे या स्मॉल से लेंगे। अभी मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग गई है तो KFC पे आया हूँ, यहाँ पे पेट पूजा थोड़ी सी करते हैं फिर निकलते हैं। ये बॉटल मरिंडा, मरिंडा यार अभी यहाँ पे कजाक में भी ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, अब बस अबस फील होती है। ऑर्डर अपना मिल गया अपने को, हमने मंगवाए जी बर्गर और स्ट्रिप्स है साथ में, रोटी शोटी मेरी हो गई है। अभी यहाँ पे सामने पार्क थी, बड़ी खूबसूरत पार्क है, फर्स्ट ईयर में हम यहाँ पे आया करते थे, मैंने सोचा आप लोगों को दिखाता हूँ आज। बंदा पीएमसी को इस तोप के आगे रख के उड़ा दे भाई साहब, सीन चेक करो, कबूतर ही कबूतर। आप लोगों को ना एक चीज दिखाता हूँ, मेरे पास चावल है मैं रखता हूँ, देखना कोई ना कोई आएगा। ये रख लिए मैंने हथेली पर चावल, अब देखते हैं कौन आता है। अबे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जा तू भी आ, उसके ऊपर बैठ गया, समझ रहे हो समझ रहे हो। नीचे मेरी कोल्ड ड्रिंक पड़ी है, मुझे ये है कि भाई उसमें ना ठुमके लगाए, चल भाग जा भैंस। Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.
But I'll be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better than. अभी मैं जा रहा हूँ घर, बस स्टेशन देखते हैं कौन सा है पास। यार पैसे बचाने के लिए ना बसों में धक्के खाना पड़ता है। आप सोचते होंगे कि भाई बाहर गए हैं, बड़े मजे कर रहे होंगे, चिल कर रहे होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो हम दुख देखते हैं वो कोई नहीं देखता, और आप लोग फिर भी नहीं सब्सक्राइब करते। रेड वाले बटन को तोड़ दो। अभी मैगनम आया हूँ मैं, यहाँ से चिकन उठाऊंगा। अरे हाय हाय, ये वाला चिकन उठाएंगे हम और घर जाएंगे। घर जाके बिरयानी बिरयानी बनाते हैं। यार कभी कभी लगता है जंगल में घर लिया हुआ है। चेक करो यहाँ का सीन, फुल वाइब आती है। A few moments later. अच्छा जी, रेस्ट रूस्ट करके हम उठ गए हैं। अभी खाना शाना बनाते हैं। चिकन कटवा लिया था मैंने दोस्त से, और अभी हमारे पास टमाटर नहीं है तो बाहर चलते हैं, टमाटर लेके आते हैं, योगर्ट लेके आते हैं। एक रोड के पार शॉप है जहाँ पे लाइट जल रही है, और एक ये मेरे सामने है, हम यहाँ जाएंगे। भाई हम सुस्त आदमी हैं, एक नंबर के सुस्त। सामान काट लिया मैंने सारा, अभी शुरू करते हैं बिना किसी बकचौदी के। यार जितनी देर इसको उबाल आ रहा है मैं उतनी देर अपने कपड़े धो लेता हूँ, बिकॉज सारे कपड़े गंदे हैं मेरे, सब गंदे कपड़े। कपड़े डन हो गए हैं अपने, अभी ये उबल गए हैं, इसमें चावल डालता हूँ और फिर नेक्स्ट कार्रवाई करते हैं। मुझे लग गई है बहुत तेज भूख, फ्रिज में पड़ी हुई थी फ्रूट चाट, अभी ये खाते पीते हैं और बिरयानी का वेट करते हैं। चेक करें जी, अपनी बिरयानी बन गई है। शानदार। व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, आप मुझे वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।